SPN9 News, मैं हूं आपके साथ मेघा। इस वक्त की सबसे बड़ी चर्चे वाली जो खबर है वो ये है कि आखिर राजस्थान में कांग्रेस की सियासत कौन सा नया रंग लेने वाली है। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी बन चुकी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अशोक गहलोत को राजस्थान से उठाकर दिल्ली लाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और इसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या होगा सचिन पायलट का, क्या होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद का। इन सबके बीच में इस वक्त जनता ये जानना चाहती है कि क्या आखिरकार सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना तय हो चुका है। जनता ये जानना चाहती है कि क्या अब लंबे इंतजार के बाद राजस्थान के वो तमाम लोग जिन्होंने विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस को सपोर्ट इसीलिए किया था क्योंकि उन तमाम लोगों को लग रहा था मुख्यमंत्री बनकर जनता के सामने आएंगे सचिन पायलट। लोगों की उम्मीद टूटी, उम्मीद टूटने का नतीजा लोकसभा चुनाव में जो 25 की 25 सीटें कांग्रेस पार्टी ने हारी हैं उसमें नजर आया और अब एक बार फिर से उम्मीद की किरण जागी है। ये बात तो आप सब जानते हैं, विधानसभा चुनाव के दौर से ही राजस्थान में कांग्रेस दो खेमों में बढ़ चुकी थी। एक था गहलोत खेमा, एक था पायलट ही खेमा, और दोनों के ही अपने समर्थक हैं। लेकिन अब राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से अशोक गहलोत इस्तीफा देंगे, अशोक गहलोत पार्टी में राहुल गांधी के पद को संभालेंगे यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, ऐसी अटकलें जोरों शोरों से सुनाई पड़ रही हैं। और इन अटकलों के बीच सबसे बड़ा यहाँ पर बवाल उस वक्त मचता है जब अशोक गहलोत सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाने के लिए पार्टी पर जोर देते हैं। जी हाँ, कांग्रेस के अंदरूनी खेमे से खबर ये आ रही है कि खुद मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी अशोक गहलोत सचिन पायलट को इस पद पर नहीं बैठने देंगे। अशोक गहलोत जो सीधे तौर पर ये बयान दे चुके हैं कि राजस्थान में जो बुरा हाल कांग्रेस का हुआ है 25 लोकसभा सीटों पर, इनकी जिम्मेदारी सचिन पायलट को लेनी चाहिए। जोधपुर की लोकसभा सीट से जो वैभव गहलोत हारे हैं इसकी जिम्मेदारी सचिन पायलट को लेनी चाहिए। जो अशोक गहलोत सचिन पायलट को इस हार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा चुके हैं, वो अशोक गहलोत दरअसल चाहते ही नहीं हैं कि सचिन पायलट उनके बाद भी मुख्यमंत्री के पद को संभाले। अब ऐसा करने के पीछे क्या वजह है, क्या कुछ अशोक गहलोत सचिन पायलट के खिलाफ करना चाहते हैं, सचिन पायलट के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के आसार कितने ज़्यादा बढ़े हैं और कितने ज़्यादा कम हुए हैं, राजस्थान की सियासत कौन सा नया रंग लेने वाली है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी हमारी खास रिपोर्ट में। देखिए जरा, लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस पार्टी की करारी शिकस्त के बाद कई जगह ऐसी हैं, यानी कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेसी खेमे में बवाल मच गया। और इसका एक बड़ा उदाहरण दिखाई पड़ा राजस्थान में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दोनों के बीच यहां पर मनमुटाव को लेकर लगातार खबरें आने लगी। और इस तरह आ रही तमाम खबरों के बीच यहां कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी का इस्तीफा जब मंजूर हो जाएगा तो अशोक गहलोत नए अध्यक्ष बनेंगे, ये अटकलें लगाई जा रही हैं। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन मीडिया में नाम सामने आ गया अशोक गहलोत का। यहां तक कहा जाने लगा कि गहलोत का नाम तय है और अब पार्टी किसी भी वक्त उनके नाम का ऐलान कर सकती है। अशोक गहलोत का नाम सामने आते ही राजस्थान की सियासत में खलबली मच गई। CWC की बैठक में ही पता चलेगा हालांकि कि इस तरह की खबरों में कितनी सच्चाई है। राजनीति के जादूगर गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के कयासों के साथ ही राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चे शुरू हो चुके हैं। गौर हो कि विधानसभा चुनाव जब राजस्थान में होने थे उससे पहले टिकट बंटवारे और जीत के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जबरदस्त गुटबाजी हो रही थी। गहलोत और पायलट ही खेमे के बीच खुलकर तकरार सामने आ रही थी और अब यहां पर एक बार फिर ऐसी ही सरगर्मी बढ़ गई है। प्रदेश संगठन में 5 साल पसीना बहाने वाले सचिन पायलट को CM की कुर्सी के रूप में मेहनत का फल मिलने वाला है, ये कहा जा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सीएम की कुर्सी तक पायलट के पहुंचने में सबसे पहली रुकावट खुद अशोक गहलोत ही थे, क्योंकि मुख्यमंत्री पद छोड़कर दिल्ली जाने को वो तैयार नहीं थे। हालांकि बाद में उन्हें तैयार कर लिया गया है। ऐसे में अगर गहलोत दिल्ली गए तो भी सचिन पायलट की राह आसान नहीं होगी। दरअसल 3-4 दावेदार और हैं जो कांग्रेस में अपना खास दखल रखते हैं, जिन्हें गहलोत या उनके समर्थक भी पायलट से ज्यादा तवज्जो देते हैं। पार्टी के सूत्र कहते हैं कि अगर यहां पर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो भी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अशोक गहलोत किसी ब्राह्मण नेता को अपने बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की इच्छा रखते हैं। ठीक सुन रहे हैं आप, अशोक गहलोत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बन भी जाते हैं, अगर राहुल गांधी की जगह दिल्ली में ले भी लेते हैं, तो भी वो सचिन पायलट के लिए मुख्यमंत्री पद की राह को आसान बनाने के मिजाज में बिल्कुल नहीं है। अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनके बाद यहाँ पर कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री का पद संभाले। हालांकि आपको बता दें, कोरा कयास है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अगर अशोक गहलोत का नाम सामने आ भी जाता है तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी सचिन पायलट के पास ही जाएगी, क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान में युवाओं की पहली और आखिरी पसंद है। अशोक गहलोत को लेकर सूत्र बताते हैं कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस मुद्दे पर खींचातानी करते हैं तो पार्टी उनके खिलाफ फैसला लेने पर जरा भी देर नहीं करेगी।